दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर त्रिपाठी और हम जेई का क्वेश्चन जिसमें डोमेन ऑफ दिस फंक्शन निकालने वाले हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं जिनमें से एक ऑप्शन सही होगा या एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। वैसे डोमेन के केस में ऐसा नहीं होता है, जब एक ही ऑप्शन लगभग सही होता है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या होगा। तो ये जो है ये डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर रूट में है, इसलिए इसका जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और अगर इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ताकि हमें क्रिटिकल वैल्यूज पता लग जाए, तो ये ग्रेटर देन जीरो। और अगर आप इसको अब फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास रूट एक्स माइनस थ्री, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस थ्री इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अब आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं उन क्रिटिकल वैल्यूज़ पे हम विचार कर लेते हैं कि क्रिटिकल वैल्यूज़ कौन कौन सी है। तो यूजुअली तो जब x माइनस थ्री और x प्लस टू होता था तो क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती थी हमारे पास, आपको याद होगी कि तब क्रिटिकल वैल्यूज़ हमारे पास होती थी x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की माइनस टू हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3 कब तक हो सकता है, तो जब x की वैल्यू 3 है तब भी हो सकता है, 3.1 है तब भी हो सकता है, 3.999 तक हो सकता है। तो x की वैल्यू 3.999 तक क्रिटिकल वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर ले लें 4 से जस्ट पहले, 4 पे हमने ओपन बना दिया है तो 4 पे हम ओपन रखेंगे, 4 से जस्ट पहले तक की सारी वैल्यूज़ पे ये एक्स की वैल्यू क्या होगी 3.1 रखेंगे तो 3.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 3 आएगा, 3.2 का भी आएगा, 3.9 का भी आएगा। अब इस वाले पे आ जाते हैं, जो अभी वैल्यू है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू है -2। अब आपको -2 कब से कब तक मिलती है आपको मालूम हो, तो -2 मिलती है दोस्तों आपको वैल्यू -1 से थोड़ी भी छोटी वैल्यू हो, मतलब -1.0001 भी होगा आपके पास, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या मिलेगी आपको -2 मिलेगी। तो ये यहाँ पर मैंने इसमें -1 कर दिया, -1 से इधर तक की सारी वैल्यूज़ पे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की, इसकी वैल्यू हो सकती है -2। तो आइए अब हम आगे का काम प्लान करते हैं। तो ध्यान से सुने, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 3 से लेके 4 तक, ध्यान से सुन लें आप, 3 से लेके 4 तक नहीं, 3 से लेके मतलब 4 से छोटा, थोड़ा सा भी छोटा वैल्यू 4 माइनस एप्सिलॉन, मतलब ऐसा कर देते हैं, ये इस तरफ नहीं हो सकता और यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं हो सकता, क्योंकि -1 से ज़रा सा भी बड़ा हुआ, ज़रा सा भी छोटा हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू -2 होगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होगा। अब हमारे पास जो स्पेस बची है वो यहाँ से वैल्यू रखने की बची है, यहाँ से वैल्यू रखने की बची है और इस 4 और आगे की वैल्यू बची हुई है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से -2 से पहले की कोई वैल्यू अपन ले लेते हैं, -2 से पहले की कोई भी वैल्यू ले लें। तो माइनस आपने ले ली, 2.1 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, जो चाहें वो ले सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए कि -3 ले ली, तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा -3, -3 कितना होगा -3 -3 -6 हो जाएगा। यहाँ भी -3 रख दें तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा, तो -3 + 2 ये भी माइनस, तो ये भी माइनस, -(-) क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये वाला एरिया एक्सेप्टेबल है। अगर आप -3 नहीं रखना चाहते, -2.1 रखना चाहते तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि -2.1 रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा -3। यहाँ -2.1 रखेंगे उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू -3 आएगा, तो फिर वही सेम केस हो गया। तो ये वाला रीजन एक्सेप्टेबल है,
एक्सेप्टेबल है। माइनस टू नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि माइनस टू से ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है आप इसके इधर की सारी वैल्यूज रख सकते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के दो केसेस सही हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, ये वाला भी केस है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, तो एक दो तीन इनमें से कोई सही है, ये गलत हो गया। अब आप आगे बढ़िए, माइनस वन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, माइनस वन और थ्री, माइनस वन और थ्री के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो जब जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जीरो माइनस थ्री, जीरो प्लस टू नेगेटिव आएगा, तो ये वाला एरिया हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें ग्रेटर देन जीरो पे इंटरेस्ट है। अब हम एक काम करते हैं, फोर और फोर से बड़ी, क्योंकि यहाँ पे फोर नहीं लेना है, फोर से जरा सी छोटी, फोर माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है? निग्लिजिबल, फोर से जरा सी भी छोटी तो यहाँ आएगी, है ना, क्योंकि फोर से जरा सी भी छोटी ली हमने, 3.99 ले ली हमने, तो 3.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? थ्री, थ्री माइनस थ्री का होगा जीरो, और इक्वल टू जीरो होने नहीं देना है हमें। तो हम फोर और फोर के बाद की सारी ले सकते हैं, तो फोर भी ले लो आप, या फोर के बाद की देख लो। फोर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फोर माइनस थ्री पॉजिटिव, और फोर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फोर ही होता है, फोर प्लस टू ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। फाइव लेके देख लो, 4.1 लेके देख लो, सब में आएगा, तो इसका मतलब है फोर इंक्लूडेड है, और कहाँ तक इंक्लूडेड है? प्लस इन्फिनिटी। तो दोस्तों इसका डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन। ये बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जेई का, लेकिन हमने ऐसे भी कई दोस्तों वीडियो बनाए हैं जिसमें डोमेन को बहुत बेसिक से लेकर के आगे तक सिखाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको, तो आप और वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपका डोमेन का कंसेप्ट, रेंज का कंसेप्ट, और जो इन्वर्टिबिलिटी है, बाइजेक्टिविटी है, उन सारे कंसेप्ट को अगर आप साउंड बनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखेंगे और लिंक को क्लिक करेंगे और आप अपनी चॉइस की चीज़ें देख पाएंगे। और होप मुझे मैंने आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। इफ़ इट इज़ सो देन आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचा दें, मेरी बस आपसे यही एक्सपेक्टेशन है। विश यू ऑल द बेस्ट।